हेडलाइंस के बाद चलिए रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 9 अगस्त से शुरू होने वाला, इसके लिए विधानसभा में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सत्र में विशेष बात यह रहेगी कि विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विधायक अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वहीं विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने कहा कि अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल पर सदन की कार्रवाई के दौरान रोक रहेगी। इसके लिए विधानसभा सचिवालय पूरी जानकारी जुटाकर विधायकों को सूची मुहैया कराएगा। विधानसभा स्पीकर ने कहा कि 5 से 7 अगस्त तक विधानसभा में विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग होगा, जिसमें सदन के सीनियर नेता विधायकों को संसदीय मर्यादाओं का पाठ पढ़ाएंगे। विधायकों को इस बात की भी जानकारी दी जाएगी कि विधानसभा में कौन से शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। ये 5, 6, 7 में विधायकों का प्रशिक्षण हो रहा, उसी दरमियान उन शब्दों की सूची या उसकी पुस्तिका आपको दे दी जाएगी, कार्रवाई होगी। उसके शब्दों का विलोपन करना अपन इसलिए चाहते हैं कि भाई हम भी सामाजिक प्राणी हैं। विधानसभा में आने का मतलब ये थोड़ी कि हम विधायक हो गए तो हम समाज से कट गए, उसी समाज के हिस्से हम भी हैं, जिस समाज के भीतर हमको खड़ा होना पड़ता है। यदि समाज के भीतर उन अमर्यादित शब्दों का प्रचलन नहीं है, उसको लोग बुरा मानते हैं, और खासतौर पर इसको कि हमको कोई चीज कोई कहे, कोई शब्द का प्रयोग करे और हमें वो खराब लगे, इसका मतलब दूसरे के लिए पक्का खराब होगा। हम ही को खराब लग रहा है, हम ही को खराब लग रहा है, दूसरे के लिए उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्यों उस शब्द को रोका जाए कि मत करिए इन शब्दों का उपयोग। इसलिए वो अपन ने बनाया है सूची, विधायकों को प्रशिक्षण में देंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वो इन शब्दों का उपयोग, इन वर्णों का उपयोग नहीं करें। यदि करेंगे तो जो कानून प्रक्रिया अपन करेंगे उसमें।